हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें हमारी साइट को यूज़र फ्रेंडली बनाना है ताकि जो भी हमारे विज़िटर आए और उस साइट को देखने के बाद वो उसके ऊपर किसी ना किसी पेज के ऊपर जाएं प्लस उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करें, तो हमें क्या करना है कि हमें फुटर के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, लाइक कॉल टू एक्शन टाइप, जिससे क्या होगा कि हमारा यूज़र जब भी हमारा या विजिटर जब भी साइट के ऊपर लैंड करेगा तो वो उन पेजेस को या उन सेक्शंस को देखेगा और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। इससे प्रॉफिट ये होगा कि एक तो हमारी सेल इंक्रीज होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, और तीसरी क्या होगी कि हमारी साइट पे जो बाउंस बैक नाम की चीज़ होती है, यानी अगर यूज़र साइट के ऊपर लैंड हुआ और उसके बाद वो वापस चला गया बिना किसी को एक्शन को परफॉर्म किए, तो क्या होता है कि गूगल उस साइट की रैंकिंग को डाउन कर देता है। लेकिन अगर वो किसी मेन पेज से किसी अदर पेज पे चला जाता है तो वो बाउंस बैक की जो कंडीशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए हमें फुटर में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए कॉल बैक एक्शन के लिए, ये वर्डप्रेस साइट के लिए। ठीक, चलिए, क्या है पहला, एडिंग लिंक्स टू द फुटर फॉर वर्डप्रेस साइट। फुटर के अंदर लिंक ऐड करने हैं। अब वो कैसे ऐड होंगे कि हमें सबसे पहले तो विज मेन्यूज में जाना है, वहाँ पे हमें एक मेन्यू क्रिएट करना है कोई भी, ठीक है। और मेन्यू क्रिएट करते हुए हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी लिंक्स होंगे उनको ऐड कर दिया और उसको सेटअप करके सेव कर दिया। सेकंड में क्या करेंगे कि हम विजिट में आएंगे और विजिट के अंदर जिस भी फुटर सेक्शन में, सपोज कॉलम्स है हमारे पास 1 2 3 4 या 1 2 3, तो हमें क्या करना है किस फुटर के या किस कॉलम के अंदर वो लिंक्स ऐड करने हैं उसको हम क्लिक करेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे नेविगेशन मेन्यू नाम की चीज़ होगी उसको पिक कर लेंगे, और वहाँ पे हमारा बनाया हुआ जो मेन्यू है, जो मेन्यू नेम है, उसे सेटअप कर लेंगे। जैसा कि फर्स्ट स्क्रीनशॉट के अंदर अगर आप देखोगे तो टॉप पे आ रहा है ऑल प्रोडक्ट्स नाम का, तो हमें यहाँ पे सेकंड स्क्रीनशॉट में क्या मिलेगा, जो सेकंड है हमारी स्क्रीन उसमें जो सेलेक्ट मेन्यू के में लिखा दिखेगा, हमें ऑल प्रोडक्ट्स नाम का मेन्यू दिखेगा। जैसे ही हमने उसको सेट किया तो हमारे फुटर में इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी, कनेक्ट विद अस, गेट टू नो अस और लेटेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, यूज़र आएगा और वो इस पे से किसी भी अगर लिंक पे क्लिक करता है तो हमारी जो कॉल टू एक्शन की प्रोसेस है वो रन हो जाएगी और जो बाउंस बैक है वो डाउन हो जाएगा। दूसरी बात करें हम ट्रैकिंग कोड, ऐड अ ट्रैकिंग कोड इन वर्डप्रेस फुटर। जो वर्डप्रेस का फुटर होता है वहाँ पे आपको ट्रैकिंग कोड लगाना है। अगर आप डायरेक्ट ट्रैकिंग कोड लगा देते हो या हेडर में ट्रैकिंग कोड लगा देते हो तो क्या होता है कि हमारी जो साइट होती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया, फुटर के अंदर ट्रैकिंग कोड लगाने से क्या हो गया, एक तो ऑप्टिमाइजेशन हो गया और स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी हमारी। उसके लिए क्या करेंगे ट्रैकिंग कोड ऐड करने के लिए, अगर आप डेवलपर हो जब तो आप कोड सेट कर दोगे, अदरवाइज अगर आप यूज़र फ्रेंडली सेक्शन चाहते हो बैकएंड में तो हेडर एंड फुटर का एक जो स्निपेट है उसको यूज़ करेंगे। इसके लिए क्या होगा, डब्ल्यू पी कोड नाम का एक विजेट आपको मिल जाएगा, प्लगइन मिल जाएगा, जिसको आप इंस्टॉल करके यहाँ से चीज़ों को सेट कर सकते हो। यहाँ पे सेक्शन आपको मिलेगा हेडर फुटर, इस तरीके के सेक्शन मिलेंगे मिड, तो जो फुटर वाला सेक्शन होगा वहाँ पे आप उसको अपने कोड को ट्रैकिंग कोड को ऐड कर सकते हो। अब जो ट्रैकिंग कोड होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स का ट्रैकिंग कोड हो सकता है, गूगल टैग मैनेजर का ट्रैकिंग कोड हो सकता है और फेसबुक पिक्सल का ट्रैकिंग कोड हो सकता है। तो ये सारे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपकी जो रैंकिंग होगी जो साइट की वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी और यूज़र कितने आ रहे हैं प्लस आपकी सेल कितनी हो रही है, कहाँ पे क्लिक हो रहा है, कॉल टू एक्शन कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, कौन से बटन को क्लिक हो रहा है, उन सब की ट्रैकिंग होगी। अब ऐड अ प्राइवेसी पॉलिसी लिंक इन वर्डप्रेस फुटर। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक कैसे होता है कि जो हमने फुटर बनाया उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी नाम का लिंक होता है, इसको कैसे सेट कर सकते हैं हम, सेटिंग के अंदर जाके आपको प्राइवेसी पॉलिसी नाम का एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज या तो क्रिएट कर सकते हो या फिर आप उसे सेटअप कर सकते हो कि ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। तो जो यहाँ पे जो सेट होगा, जो लिंक बनेगा वो आपका वही प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक बनेगा जो आप इसे सेट करवाओगे।
नेक्स्ट, कॉपीराइट डेट और ईयर डालनी है आपको। क्या है कि आपका जो फुटर होता है उसके जस्ट बाद में एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको आपकी साइट का नेम और राइट रिजर्व्ड के साथ कॉपीराइट की डेट डालनी है कि कहाँ से कहाँ तक वो आपकी साइट कॉपीराइटेड है। तो इसका भी एक इफ़ेक्ट होता है। ये क्या होता है, ये बताता है कि आपकी साइट कितनी जेन्युइन है और कब से आपकी साइट चल रही है, और जो ट्रस्ट होता है क्लाइंट का, जो कस्टमर का या विजिटर का, वो यहाँ से बनता है। फिफ्थ, आपको पावर्ड बाय लिंक रिमूव करना है, जो कि आपकी साइट्स है जिसने बनाई है, जो कंपनी है उसकी डेवलपमेंट कंपनी, या फिर अगर आपकी कोई थीम है वर्डप्रेस की वो किसी ने बनाई है, तो आप उसका लिंक रिमूव कर दो। नहीं तो क्या होगा, आपका जो एक टारगेट लिंक होगा वो उसकी साइट पे भी जाएगा, जो आपकी पावर्ड बाय की साइट है जिन्होंने आपकी साइट डेवलप की है उसके ऊपर भी, तो उनकी तो बैक लिंक बन जाएगी, बैक लिंक हो जाएगी, बट आपकी वो बैक लिंक नहीं बनेगी और वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करेगी। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, वो जो पावर्ड बाय का लिंक होता है उसे रिमूव कर देना चाहिए। सोशल मीडिया के लिंक ऐड करने हैं आपको फुटर में। सोशल मीडिया के लिंक कैसे ऐड करोगे, अगर आप विजिट में जाते हो सेक्शन में, अगर आप फुटर में ऐड कर रहे हो तो विजिट के अंदर आपको क्या मिलेगा, सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे, जैसे सोशल आइकन्स, ट्विटर, टम्बलर, पिंटरेस्ट, फेसबुक, सारे मिलेंगे। तो आपका जो भी अकाउंट एक्टिव है सोशल मीडिया का, उन सब के लिंक आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक तो क्या होता है कि आपकी साइट पे अगर कोई आता है और आपकी साइट से कुछ सामान परचेज कर लिया, सपोज कोई चीज़ ले ली, कोई प्रोडक्ट उसको पसंद आया ले लिया और वो अच्छा है, तो वो क्या करेगा, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल पे जाएगा या फिर ट्विटर की या पिंटरेस्ट की आपकी सोशल प्रोफाइल पे जाएगा और वहाँ पे उस पेज को लाइक करेगा, जिससे क्या होगा, अगर कल को आप नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च करते हो और वो क्या होगा, उस यूज़र को भी दिखेगा और हो सकता है कि वो आपका वो उस प्रोडक्ट को वापस से परचेज कर ले, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, डबल सेल हो गई आपकी। एक बार जो बंदा आया, विजिटर जो आया, उसने आपकी सेल करी, और दूसरी बार वापस से वो आपकी साइट के ऊपर आएगा थ्रू आपके सोशल मीडिया के, और वो वापस से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है। इसको मार्केटिंग बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग, SSM बोलते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। नाउ अब स्टिकी फुटर बार क्या होता है, जो मोबाइल साइट्स होती हैं उस पर कॉल टू एक्शन होता है फुटर के अंदर, क्या करो, एक स्टिकी फुटर बार बना दो, जैसा कि गेमिंग साइट्स करती हैं या फिर कोई दूसरी साइट्स करती हैं, जहाँ पे आपको ऐप को डाउनलोड करवाया जाता है और आपकी ऐप को इंस्टॉल कराया जाता है। सपोज आपकी साइट है और आपकी एक ऐप भी है और आप चाहते हो कि आपकी साइट के साथ साथ यूज़र आपकी ऐप को इंस्टॉल करे, तो आप इस तरीके से एक स्टिकी फुटर बना सकते हो और उसके ऊपर लिंक लगा सकते हो अपनी ऐप का, जिससे कि वो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। और ये किस तरीके से हो सकता है, आप एक ऑप्टिन मॉन्स्टर नाम से प्लगइन होता है जो मार्केटिंग के लिए स्पेशली यूज़ होता है, मेलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए या कॉल टू एक्शंस के लिए, तो वो ये प्लगइन यूज़ होता है, ये पेड प्लगइन है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। फ्री वर्जन भी आता है इसका, लाइट वर्जन, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आप चाहो तो कोई और प्लगइन भी यूज़ कर सकते हो, अगर कोई फ्री अवेलेबल हो तो। नेक्स्ट है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको फुटर में ऐड करना है। जब भी आप कोई फुटर बनाते हो तो उसमें क्या करो, एक बड़ा सारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना दो या छोटा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना दो, ताकि वो डायरेक्टली आपकी ईमेल से कनेक्ट रहे और वो आपको जब भी यूज़र को अगर कोई मैसेज करना है, कुछ सब्सक्राइब करना है, तो वो वहाँ से कर सकता है। जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या करा है, एक फॉर्म बनाया है जिसमें सब्सक्रिप्शन का फॉर्म है कि यूज़र का नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया और ईमेल ले ली, और जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा आपके पास उसकी मेल आएगी, कल को आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ करते हो, तो जो ईमेल मार्केटिंग होती है उससे आप उस प्रोडक्ट को आप उनको दिखा सकते हो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, WP फॉरम्स का यूज़ कर सकते हो। इसका लाइट वर्जन भी आता है, बट इसका जो पेड वर्जन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर कॉन्टेक्ट फॉरम 7 का भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें से कौन सा यूज़ करना चाहते हो। सब्सक्राइब टू कोड मेटा चैनल ऑन यूट्यूब टू गेट मोर वर्ड वीडियोज़ ऑन वर्ड प्रेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।